आज मैं आपको एक अभिनेता कार्यकर्ता से अलग हटके एक इंसान के रूप में मेरी उम्र हो जितनी उम्र है तब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ और करोड़ों मुकदमे इस देश में किसानों सिर्फ इस बात खेल रहे हैं कि तूने मेरी मेड़ काट ली, तूने मेरी मेड़ जोड़ दी। छोटी छोटी 30-30 एकड़ का फार्म होगा, 100-100 एकड़ का फार्म होगा, लेकिन पड़ोस में जो जितना दबंग होगा उतनी मेड़ उसकी चौड़ी होगी और जो जितना बेचारा नीचे होगा उसकी मेड़ के ऊपर मेड़ चढ़ी होगी। मैं बचपन से सपना देख रहा हूँ, माननीय मोदी साहब से भी रखना चाहता हूँ कि एक बार अपने यहाँ हर तहसील है, हर लेखपाल है, एक एक तहसीलदार साहब को एक आदेश कर दें कि पहले सरकारी जमीन और किसानों की जमीन अलग करके किसानों की जो जमीन है उस पर हमारे देश में इतना पत्थर है, पत्थर सबका है, जो बेकार पत्थर हो जिसको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि अच्छे पत्थर को मंदिर में हम पूछते हैं और जो बेकार पत्थर है उसको हम मेड़ों पे लगवा दें। एक फीट जमीन इस किसान की, एक फीट जमीन इस किसान की बीच का, और ये बीच में पत्थर, इस पे साइकिल लेके भी घूम सकते हो, आपको पेड़ लगाना है आप हैरों से इसको काट नहीं सकते हो, एक आप पेड़ इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, 3 बीघे वाला भी कुछ, 30 बीघे वाला भी कुछ, 300 बीघे वाला भी कुछ। मैं बिलीव करता हूँ कि करोड़ों लठैतियाँ खत्म हो जाएंगी, करोड़ों मुकदमे छोटे छोटे शहरों के खत्म हो जाएंगे और करोड़ों के दिलों में पड़ी हुई मेड़े जो एक दूसरे की मेड़ से नफरत करते हैं, हर होली दीपावली में उनकी मेड़े हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी और बोलेंगे भैया मेरा तो इनका मेड़ का लफड़ा था, अब मेड़ 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 तो पक्की हो गई तो अब क्या लफड़ा रह गया। तो मैं चाहता हूँ जो किसानों की जमीन की जब मेड़ पक्की हो जाए उसके बाद दूसरे कलर की जो भी जमीन बचे वो सरकारी जमीन है, जल जंगल की जमीन है, उस पे जितना भी हो वो सौंदर्यीकरण का निर्माण हो और किसानों के बीच का जो झगड़ा ये लाठियों वाला जिसमें रोज सुबह सुबह पता लगता है कि माँ चिल्लाते हुए जा रही मेरे बेटे को मार दिया या तब जो तगड़ा पड़ जाता है वो पीट देता है। मैं ये सपना देखता हूँ कि हमारे भारत से जिंदगी भर के लिए ये मेड़े पक्की हो जाए और दिलों की मेड़े, दिलों के दरवाजे खुल के हमेशा के लिए जुड़ जाए और ये अगर हो पाए, और बहुत सरल है, सबको काम मिल जाएगा, लेखपाल से लेके तहसीलदार साहब से लेके जितने लोग हैं, और लोकल के लिए मोदी साहब बोलते ना वोकल बनना है, लोकल के लिए इतना काम होगा कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली मेड़ पक्की योजना करवा दी जाए। क्या बात की, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आप भी किसान के, मैं इस बात को बड़ी सच्चाई से समझ पा रहा हूँ, उत्तराखंड का हूँ, हालांकि हमारे वहाँ ज्यादा जमीन है नहीं, बहुत फायदा होगा हर व्यक्ति को। और अब जो पुश्तैनी झगड़े चल रहे हैं लाइफ में, हम भी देश दुनिया देख रहे हैं, हमारे देश में जमीन को वो झगड़ा हमेशा का खत्म हो जाए, द्वंद वो प्लॉट से लेकर मनुष्य योनि तो हम पाते हैं लेकिन मनुष्य योनि से ऊपर अल्लाह ऐसा है। ये बात जो राजपाल भैया ने कही थी, इससे अच्छा सुझाव किसी और के पास हो तो बोलो, वरना मैं तो कहता हूँ यही सुझाव को जो है एक मॉडल के रूप में सरकार के लिए आइडिया, क्योंकि एक एक्टर वो लोग खाली मनोरंजन के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं जिस तरह के लोगों के बीच रहता हूँ उसमें ऐसे लोग एक्टरों के बीच में रहता हूँ जो एक्टिंग तो उनका एक पार्ट है, उसके अलावा देश के लिए या किसान के लिए या ये बात वही बोल पाएगा जो जीवन जीता है। अरे मेरी गाड़ी जाती आज भी, एक गाड़ी खलंजड़े पे एक ट्राली मिल जाए तो एक गाड़ी पीछे जाती है, मोटरसाइकिल नीचे उतरना पड़ता है। 130 करोड़ लोगों का, अब माफ करिएगा, 16 लेन 8 लेन 4 लेन तभी अच्छी लगेंगे जब हमारे एक गांव से दूसरे गांव तक 2 लेन मिलेगा। जब 2 लेन मिल जाएगा आप देखिएगा हर गांव स्मार्ट सिटी से बदल जाएगा।